हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग आई होप आप सभी अच्छे होंगे तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम आदित्य सैनी के लेटेस्ट वीडियो का जो है मोशन ग्राफिक्स जो उन्होंने किया हुआ है इनके वीडियोस में तो उसका ब्रेकडाउन करने वाले हैं हम तो चलिए सबसे पहले हम वीडियो को प्ले कर लेते हैं यहाँ पे तो फ्रेंड्स ये जो एनिमेशन आपने देखा तो ये एनिमेशन कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं इस टाइप का एनिमेशन यदि आपकी वीडियोस में भी आप यदि यूज़ करना चाहते हैं तो कैसे आप बना सकते हैं ये चीज़ जो है हम इसका ब्रेकडाउन करने वाले हैं तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको आफ्टर इफेक्ट ओपन कर लेना है तो आफ्टर इफेक्ट हम ओपन कर लेंगे देन इसके बाद में जो है हम ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे क्रिएट करेंगे पूरा मोशन ग्राफिक्स वगैरह कैसे यहाँ पे बनाना है वो सारी चीज़ें हम करने वाले हैं फ्रेंड्स काफ़ी सारे लोगों का डाउट रहता है कि आफ्टर इफेक्ट ये आप कौन सी ऐप यूज़ करते हैं तो ये बता दूं मैं ये केवल कंप्यूटर में आप इंस्टॉल कर सकते हो चाहे वो मैक हो या फिर विंडो हो यहां पे आप प्रीमियर आफ्टर इफेक्ट वगैरह जो है यहां पे चला सकते हो तो यहां ये एडोबी के सॉफ्टवेयर है ना कि कोई ऐप है तो यहां पे आपको आफ्टर इफेक्ट ओपन कर लेना तो आफ्टर इफेक्ट ओपन करने के बाद में आपको एक कंपोजिशन क्रिएट कर लेना जो कि मैं यहां पे टेन सेकेंड की कंपोजिशन एक यहाँ पे क्रिएट कर ले रहा हूं नाइनटीन ट्वेंटी जीरो फ्रेम रेट के रेजोल्यूशन के साथ में मैंने यहां पे क्रिएट कर ली है अब यहां पे जो है आपको यहां पे देख रहे हैं जैसे कि यहां पे सिंपल आपको करना क्या है कि वो सारी चीजें जो है यहां पे आपको इंपोर्ट करनी है

करना चाहते हैं तो आप वैसे इमेज डाउनलोड कर सकते हैं तो सिंपल फिलहाल के लिए मैंने आपको ये इमेज जो है यहाँ पर डाउनलोड कर ली है देन इसके बाद में हमें यहाँ पर दूसरी इमेजेस जो है डाउनलोड कर लेनी है तो फिलहाल यहाँ पर आपको यहाँ पे हाउस के कई अच्छे से इमेजेस डाउनलोड कर लेना तो यहाँ पर सिंपल मैं हाउस यहाँ पे टाइप कर दूंगा और यहाँ पे हाउस की इमेज कोई भी अच्छी से एक डाउनलोड कर लूंगा तो फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे दूसरी इमेज जो है यहाँ पे ये डाउनलोड कर ले रहा हूँ ठीक है तो इस तरीके से आपको सारी इमेजेस जो है यहाँ पे डाउनलोड कर लेनी जितनी भी इमेजेस आप यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं ठीक है तो यहाँ पे कार के लिए एक यहाँ पे सिंपल एक कार की इमेज डाउनलोड कर लेते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने तीनों इमेजेस जो है डाउनलोड कर ली हैं अब इस हिसाब से इस टाइप से आपको जो कंपटीशन है वो यहाँ पे क्रिएट कर लेना है तो सिंपल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एनिमेशन जो है आपको कुछ इस टाइप का देखने मिल रहा है ठीक है तो ये वाला आइकन जो है हमें ये भी ड्रॉ करना है और इस टाइप से पूरी कंपोजिशन हमको क्रिएट करनी तो आफ्टर इफेक्ट पर हम आ जाते हैं यहाँ पे सिंपल हमको एक सर्कल क्रिएट कर लेना है तो सिंपल हम एलिप्स टूल पे आकर के यहाँ पे एक सर्कल यहाँ पे इस तरीके से क्रिएट कर लेंगे इसका एंकर पॉइंट सेंटर रख लेंगे हम यहाँ पे अब देन हमें सेम टाइप का एनिमेशन जो है यहाँ पे क्रिएट करना है तो फिलहाल के लिए सिंपल हमने करना क्या है कि यहाँ पे आप जो है इमेजेस जो है आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो जैसे पी एन जी इमेजेस यहाँ पे यूज़ की गई हैं ठीक है तो आप पी एन जी इमेजेस निकाल सकते हो या फिर आप चाहो तो पूरी की पूरी इमेज भी यहाँ पे दिखा सकते हो तो फिलहाल के लिए सिंपल हम क्या करेंगे यहां पे आपको करना क्या है कि यहां पे आपको जितनी भी इमेजेस हैं वो सारी इमेजेस को यहां पे डाउनलोड कर लेना है ठीक है तो फिलहाल हमने यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन पे हम आ गए हैं और यहाँ पे ये यह देखिए तीनों इमेजेस को हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है ठीक है तो ये तीनों इमेजेस को हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है देन इसके बाद में हमें एक एक करके जो है इमेज यहाँ पे सेट कर देने तो फिलहाल हमने यहाँ पे इसका आइकन जो है यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर देंगे इस जो हमने इस सर्कल है इसको यहाँ पर थोड़ा सा छोटा कर देंगे हम यहाँ पे देन इसके बाद में यहाँ पे हमको डुप्लीकेट कर देना तो यहाँ पे मैं एटी फाइव कर दे रहा हूँ इसको अब यहाँ पे हमें करना क्या है कि यहाँ पे इसका डुप्लीकेट कर देंगे हम कंट्रोल डी से हमने डुप्लीकेट कर दिया इसको राइट साइड कर दिया हमने एंड यहाँ पे फिर से कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर देंगे इसको और यहाँ पे इसको लेफ्ट साइड कर देंगे ठीक है तो यहाँ पे आपको यहाँ पे तीन इमेजेस जो हैं देखने मिल जा रही हैं यहाँ पे फर्स्ट एंड इसको हम ऊपर कर देते हैं यहाँ पे सेकंड और यहाँ पे थर्ड ठीक है तो अब तीनों इमेजेस को यहाँ पे हम इम्पोर्ट कर लेंगे जैसे कि कार वाला है तो यहाँ पे आ जाएगी कार वाली इमेज तो ठीक है कार वाली इमेज को हमने यहाँ पे रख दिया तो ये इसके साथ में हमने इसको ट्रैक मैट करेंगे तो सिंपल आपको करना क्या है कि यहाँ पर जो ट्रैक मैट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो इसको आपको यहाँ पर कार को जो ये इमेज है इसको आपको ट्रैक्टमेंट कर देना इस शेप से तो यहाँ पे इस शेप के अंदर जो है यहाँ पे दिखाई दे रही है ये चीज़ देखिए तो ये कार जो है यहाँ पे दिखाई देने लग रही है ठीक है तो इस तरीके से आपको कर लेना है यहाँ पे आप चाहें तो पी ऐसा भी बना सकते हैं और या फिर पी नहीं बनाना आपको ऐसा दिखाना तो आप ऐसा भी दिखा सकते हैं तो दोनों ऑप्शन है आपके पास में जैसा भी आप दिखाना चाहें वैसा आप यहाँ पर दिखा सकते हैं तो फिलहाल के लिए हम केवल इन सेप को जो है यहाँ पे जितने भी इमेजेस हैं इन सेप के अंदर दिखा रहे हैं ठीक है तो सारी इमेजेस को हम यहाँ पे सेप के अंदर दिखाई दे रहे हैं तो यहाँ पे होम चाहिए तो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो लेयर है इसके ऊपर जो है यहाँ पे होम की इमेज को यहाँ पे सेट करेंगे और यहाँ पे स्केल करके इसको ट्रैकमेट कर देंगे इससे ठीक है अब यहाँ पे सिंपल इमेज को थोड़ा सा स्केल कर देंगे और यहाँ पे पूरा ये दिखाई देने लग जाएगा इसमें ठीक है सेम चीज़ हमें चाहिए यहाँ पर अब यहाँ मनी वाले बैग को यहाँ पर इमेज को यहाँ पर रख लेंगे सेंटर पर और इसको ट्रैकमेट कर देंगे यहाँ पर और यहाँ पर इसको स्केल कर देंगे हम थोड़ा तो इस इमेज को यहाँ पर हमको स्केल कर देना है तो सिंपल हम इसका जो साइज़ है यहाँ पे स्केल कर देंगे यहाँ पे और इसको एस, इस तरीके से सेट कर लेंगे अब हमें करना क्या है कि यहाँ पे हमको ये टेक्स्ट भी चाहिए है तो सिंपल हम यहाँ पे टेक्स्ट भी ऐड कर लेंगे तो सिंपल हमको यहाँ पर रेक्टेंगल ले लेना है यहाँ पे हमने एक शेप क्रिएट कर देना है यहाँ पे ठीक है अब यहाँ पे इसका जो कलर जो भी आप रखना चाहते हो तो यहाँ से कलर वगैरह चूज़ कर सकते हैं आप सिंपल आपने यहाँ पर कलर चूज़ कर लेना है और जो भी टेक्स्ट आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ पर होम ऐड कर दे रहा हूँ तो ये देखिए मैंने पे होम ऐड कर दिया है सिंपल इसको हम यहाँ पे सेट कर लेंगे टेक्स्ट को अब यहाँ से जो है आपका टेक्स्ट जो है यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हैं जो भी फॉन्ट वगैरह चाहिए आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं तो फिलहाल के लिए यहाँ पर हम जो है इसका जो फॉन्ट है वो यहाँ पर सेट कर देते हैं तो यहाँ से इसको हम कैप्स लॉक ऑन कर लेंगे तो यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से हो गया है अब आपको करना क्या है इन दोनों को सेंटर लाइन कर लेना है तो सेंटर लाइन के लिए सिंपल आपको यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे इन दोनों को अलाइन सेट कर देना है ठीक है तो ये हमारा इस तरीके से यहाँ पे सेट हो चुका है अब सेम चीज़ आपको यहाँ पे डुप्लीकेट करके जो है आगे के साइड में पेस्ट कर देना है तो इसको हम कंट्रोल डी कर देंगे कंट्रोल डी करने के बाद में इसको हम जो है आगे के साइड में यहाँ पर मूव कर देंगे तो ये यह देखिए यहाँ पर आगे के साइड में यहाँ पर हमने मूव कर दिया है अब सेम चीज़ हमें कंट्रोल डी फिर से करना है और हमें फिर से इसको जो है यहाँ पर आगे के साइड में मूव कर देना है है तो यहाँ पे अलग अलग हमने जो है यहाँ पे सेट कर दिया इमेजेस तो यहाँ पे सिंपल आपको टेक्स्ट जो है चेंज कर देना है सिंपल यहाँ पे आपको लिख देना है कार एंड यहाँ पे लिख देना है लोन ठीक है तो ये हमारा जो एनिमेशन यहाँ पे बन चुका है इस तरीके से तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है हमने थोड़ा सा सिमिलर लुक टाइप से यहाँ पे चूज़ कर लिया है बस आपको यहाँ पे जो है एनिमेशन देना है तो यहाँ पे जो शेप बना हुआ है तो इसका एनिमेशन करने के लिए आपको सिंपल करना क्या है कि यहाँ पे आपको एक आइकन ड्रॉ कर लेना तो सिंपल हमने जो है यहाँ पर एक आइकन ड्रॉ कर लिया तो सिंपल ये देखे इस तरीके से जो है हम यहाँ पर जो है इसको यहाँ पर ड्रॉ कर ले रहे हैं तो ये फिलहाल के लिए अभी हमने इसको ऐसा ड्रॉ कर दिया बट इसको यहाँ से हम एडजस्ट कर लेंगे और यहाँ से इसको जो है इस तरीके से आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे तो ये आइकन कुछ आपको इस टाइप से देखने मिल रहा है तो सेम टाइप का एनिमेशन जो है हमें पे क्रिएट करना है तो आपको करना क्या है कि यहां पे दो पॉइंट ऐड कर देना है और इनको थोड़ा सा नीचे कर देना यहां से तो सिंपल हमने पे पे इसको सेट कर दिया यहाँ पे इस तरीके से अब ये यह देखिए यहां पे सेंटर वाला जो है, है ये इस पॉइंट को हमको क्या करना है कि यहां पर आपको यहां पर इस तरीके से सेट कर देना है तो ये देखिए इस तरीके का आइकन जो है हम यहाँ पे क्रिएट कर दे रहे हैं अब इसका जो फिल है इसको हम ऑफ कर देंगे और यहां पर आइकन जो हमारे यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस तरीके का अब इसका जो स्ट्रोक वगैरह आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अब यहाँ पे जैसा चाहे वैसा आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं जैसे कि हमने यहाँ पे इसको कुछ इस तरीके का सेट कर दिया है अब आप का जो यहाँ पे आइकन है कुछ थोड़ा सा सिमिलर टाइप से आपका देखने मिल रहा है यहाँ पे सेम टाइप से अब यहाँ पे बीच में जो है क्रॉस का चिन्ह लग रहा है तो आप यहाँ पे सिंपल एक्स को टाइप कर सकते हैं अब यहाँ पे इसमें एनिमेट करने के लिए आपको ट्रिम पाथ पे जाना है और यहाँ पे सिंपल इसको एनिमेट कर देना है तो यहाँ पे फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे एक सेकेंड का एनिमेशन से इस पर कर रहा हूँ मैं तो यहाँ पे लास्ट पे की लगा दी 100 परसेंट की स्टार्टिंग पे हमने इसको जीरो कर दिया तो ये देखिए इस तरीके से एनिमेट हो रहा है देन इसको हमने जो है ईजी कर दिया तो यहाँ पर ये फास्ट इस तरीके से एनिमेट हो रहा है यहाँ पे ये देखे अब ये चीज़ जो है यहाँ पे सिंपल आपको एनीमेशन थोड़ा सा फास्ट दिखाना है तो यहाँ पे इसको हमने फास्ट कर दिया है और ये देखिए कुछ इस टाइप का एनिमेशन आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे सिंपल इसको रोटेट होते हुए दिखाना है तो सिंपल आपने यहाँ पे सेंटर पॉइंट कर दिया अब सिंपल जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे थे इसका एनिमेशन कैसा यहाँ पर हो रहा है तो ये देखें तो आपने देखा यहाँ पे किस तरीके से एनिमेट हो रही है तो इसको आपको सिंपल हल्का सा रोटेट होते हुए यहाँ पे आ रहा है ठीक है तो सिंपल आपको करना क्या है कि यहाँ पे इसमें जो है रोटेशन की की लगा देनी है और प्लस साथ में स्केल की की लगा देनी है आपको और देन यहाँ पे आ जाएंगे स्टार्टिंग पे और यहाँ पर इसको जो है ऐसे रोटेट कर देना है यहाँ पर थोड़ा सा ठीक है और यहाँ पर इसको ज़ीरो कर देना है तो ये कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पर रोटेट होते दिखाई दे रहा है यहाँ पर ठीक है तो यहाँ पर सिंपल आपका ये इस साइड आ जाएगा यहाँ पर तो कुछ इस टाइप से आपका रोटेट होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो सिंपल आपको करना क्या है इन दोनों कीज़ को ईजीज कर देना है तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ इस टाइप का एनिमेशन आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है ठीक है तो अब यहां पे यदि आप चाहेंगे तो यहां पे जो बाउंसर स्क्रिप्ट है वो बाउंसर स्क्रिप्ट का भी आप यूज कर सकते हैं तो फिलहाल के लिए यहां पे मैंने जो बाउंसर स्क्रिप्ट यहां पे लगा के नहीं रखी हुई है तो यदि आप लोग करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा तो मैं बाउंसर स्क्रिप्ट के बारे में भी आप लोगों को बता दूंगा साथ ही साथ में मैं आप लोगों को फ्री में वो प्रोवाइड कर दूंगा तो उसमें जो बाउंसिंग इफेक्ट है यहाँ पे वो आपको देखने मिल जाएगा तो फिलहाल के लिए अभी हम यहाँ पे उसको ऐसे ही एनिमेट कर देंगे और यहाँ पर जो टेक्स्ट वगैरह आपको लिखना है तो सिंपल आप वो टाइप कर सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ पे एक्स टाइप कर दे रहा हूँ एक ठीक है जैसे वहाँ पर दिया हुआ था तो ये मैंने एक्स टाइप कर दिया इसका जो कलर है मैं यहाँ पर थोड़ा सा रेड कलर कर दूंगा ताकि सिमिलर लुक आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगा अब फॉन्ट वगैरह जो है आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं तो सिंपल मैं यहाँ पर कोई भी सिंपल फॉन्ट यहाँ पे यूज़ कर ले रहा हूँ जैसे कि यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे सिंपल फॉन्ट आपको देखने मिल जा रहे हैं तो मैं कोई भी एक सिंपल फॉन्ट यहाँ पे चूज़ कर लूँगा तो ये देखिए इस टाइप का जो है एक्स यहाँ पे देखने मिल गया अब इसको मैं पेरेंट कर दूँगा इस शेप के साथ में तो ये देखिए सेम आपका जो है यहाँ पे ये एनिमेट हो जाएगा ये इस तरीके से ठीक है तो आपको करना क्या है कि इसको सिंपल मूव कर देना है यहाँ पे जहाँ पे भी आप लगाना चाहते हैं इसको जैसे कि मैंने यहाँ पे लगा दिया इसको अब इसका जो साइज़ है मैं थोड़ा सा छोटा कर दूंगा क्योंकि, क्योंकि काफ़ी बड़ा साइज़ लग रहा है तो मैंने यहाँ पर थोड़ा छोटा कर दिया है देन इसके बाद में आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपको एक ट्रिम पाथ का जो है यहाँ पर एनिमेशन करना है तो सिंपल जो यहाँ पर एरो जा रही है ये आपके एनिमेट होते हुए दिखाई देगी तो सिंपल आपको पेन टूल से ही यहाँ पर आपको एनिमेट कर देना है तो यहाँ पर सिंपल हम क्या करेंगे कि अब आप देखेंगे यहाँ पे ठीक है तो ये वाला जो आ, आ, की है इसको डिलीट करके हम इसको आगे शिफ्ट कर देंगे यहां पे तो ये देखिए इस टाइप का कुछ एनिमेशन आपको देखने मिल जा रहा है यहाँ पे ठीक है देन आपको करना क्या है कि यहां पे आपको एक ट्रिम पाथ के लिए आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है देन इसके बाद में इस लाइन पे आपको यहाँ पे आना है एंड सेप पे आने के बाद में स्ट्रोक पे आने के बाद में इसको प्लस बटन पे क्लिक कर देना तो यहाँ पे आपको ड्रेसेस लाइन देखने मिल जाएगी देन फिर इसके बाद में आपको यहाँ पे ट्रिम पाथ ऐड कर देना है इसमें तो यहाँ पर आप ट्रिम पाथ ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका जो ट्रिम पाथ है यहाँ पे सिंपल आपको की लगा देनी है एंड इसके बाद में आपको यहाँ पे 100% परसेंट पे की लगानी है उसको जीरो कर देना है तो ये देखिए कुछ इस टाइप का एनिमेशन आपको यहाँ पे देखने मिल जा रहा है तो इसका यूज़ जो है अभी हम लास्ट में करेंगे इसकी टाइमिंग लास्ट में सेट करेंगे फिलहाल के लिए हमें टाइमिंग यहाँ पर एडजस्ट करनी है यहाँ पर एनिमेशन की तो यहाँ पर सिंपल हमको करना क्या कि एक नल लेयर क्रिएट करनी है तो यहाँ पर हमने नल ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लिया है देन सारी लेयर्स को जो है हम यहाँ पर पेरेंट कर देंगे किससे हम नल लेयर से पेरेंट कर देंगे तो सभी को हमको पेरेंट कर देना है यहाँ पे नल लेयर से तो यहाँ पे सिंपल हमने नल लेयर से सभी को पेरेंट कर दिया है अब यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले हमें यहाँ पे इसका जो एनिमेशन है हमें सिंपल करना कैसा है कि यहाँ पे हमने इसको स्केल कर दिया है अब ये देखिए स्केल करने के बाद में सिंपल हमको करना क्या है कि इन दोनों को बाद में मूव कराना है तो पहले कि फ़िलहाल तो यहाँ पे इस तरीके से ये चीज़ आएगी एनिमेट होते हुए जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं और यदि तो आप इसका एनिमेशन स्लो देखना चाहते हैं तो सिंपल आप यहाँ पे स्पीड को यहाँ पे स्लो कर दीजिए देन यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका एनिमेशन ठीक है तो पहले ये यहाँ पे बड़ा सीन दिखाई दे रहा है देन इसके बाद में ये दोनों इमेजेस आ रही हैं तो ये चीज़ हमको देखनी है तो सिंपल अभी फ़िलहाल के लिए हमको इसको प्रॉपर पहले सेट कर लेना है यहाँ पे तो सिंपल हमने करना क्या है कि इसका जो स्केल वैल्यू है इसको जीरो कर देंगे हम सॉरी यहाँ पे हंड्रेड परसेंट कर देंगे पहले ठीक है तब यहाँ पे इसको हम प्रॉपर सेट कर पाएंगे तो ये जो इमेज है और ये जो टेक्स्ट और सेफ है तो इनको प्रॉपर पहले सेट कर लेना हमको तो फर्स्ट वाला जो इमेज है यहाँ पर आपको देखने मिल जा रहा है और इसका सेप है और इसका जो टेक्स्ट है यहाँ पे ये आपको देखने मिल जा रहा है तो इसको हम यहाँ पर लास्ट पर ले जाएंगे यहाँ पर ठीक है एंड सेम चीज़ करेंगे हम इसके साथ में तो यहाँ पे ये सेप है और यहाँ पे ये इमेज है इसकी और यहाँ पे इसका जो टेक्स्ट और यहाँ पे सेप है तो वो यहाँ पे ये देखने मिल रहा है तो इसको भी हमने यहाँ पे लास्ट में ले गए यहाँ पर ठीक है अब हमें करना क्या है कि यहाँ पे हमें इन तीनों का एनिमेशन जो है प्रॉपर तरीके से करना है तो फिलहाल के लिए हमें सिंपल आपको करना क्या है कि अब जो स्केल पे आपको आना है यहाँ पे नल पे आना है अब यहाँ पे इसको स्केल कर देना है तो पहले ये स्केल ऐसे रहेगा देन इसके बाद में आपको यहाँ पे की लगानी है और स्टार्टिंग पे आने के बाद में यहाँ पे पंद्रह फ्रेम पे आएंगे हम पंद्रह फ्रेम पे आने के बाद में इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर देंगे तो समथिंग हमने इतना कर दिया इसको ठीक है इतना करने के बाद में आपको करना क्या है यहाँ पे की लग गई ऑटोमेटिक और यहाँ पे आपको यहाँ पे ईजी यूज़ कर देना है आपको तो ये देखेंगे आप तो यहाँ पर इस तरीके से एनिमेट हो जाएगा ये तो ये एनिमेट हो रहा है अभी बाद में हम इसको जो है और अच्छी तरीके से एनिमेट करेंगे तो ये यहाँ पे एनिमेशन कुछ इस तरीके से हो रहा है देन अभी के लिए फिलहाल के लिए हम इसको हाइड कर देंगे यहाँ पे ये वाली लेयर को और इसको भी हम यहाँ पे अभी हटा देंगे तो सिंपल इन दोनों को हम यहाँ पे बाद में ले जाएंगे तो यहाँ फ़िलहाल के लिए ये ऐसा एनिमेशन हो गया देन इसके बाद में यहाँ पर दो सेकेंड के बाद हम यहाँ पे की लगा देते हैं और यहाँ पे हमें पोजीशन की की लगानी है प्लस स्केल की भी की लगा देनी तो यहाँ पर पोजिशन की की लगा दी प्लस स्केल की भी हमने यहाँ पर की लगा दी ठीक है इसके बाद में हम यहाँ पर पंद्रह फ्रेम का एनिमेशन करेंगे तो ये जो पोजीसन है यहाँ पर लेफ्ट साइड में मूव करेगी और साथ ही साथ में यहाँ पे स्केल हो जाएगा छोटा ठीक है तो यहाँ पे ये देखो थोड़ा सा स्केल हो गया और पोजीशन यहाँ पे मूव कर गई तो सिंपल यहाँ पे हमने की लगा दी दे। अब देखेंगे एनिमेशन तो हमारा इस टाइप का एनिमेशन यहाँ पे हो रहा है अब ये चीज़ देखिए इस तरीके से यहाँ पे एनिमेट हो रही है ये ठीक है तो यहाँ पे ये ऐसे एनिमेट हुआ प्लस साथ में ये ऐसे एनिमेट हो रहा है देन इसके बाद में यहाँ पर थोड़ी देर होल्ड रहेगा और फिर यहाँ पर पोजिशन एंड स्केल के की लगा देंगे हम और फिर आगे जा करके के यहाँ पर ये चीज़ जो है पोजीशन मूव पहले स्केल छोटा होगा और प्लस साथ में पोजीशन मूव करेगा यहाँ पे ये यह इस तरीके से और यहाँ पे स्केल हो जाएगा छोटा ठीक है तो इस तरीके से हमको जहाँ पूरा यहाँ पे जो है एनिमेट करना है इसको तो ये देखें हमने यहाँ पे इसको ऐसे एनिमेट कर दिया यहाँ पे तो ये देखे अब यहाँ पे जो एनिमेशन है कुछ इस टाइप का एनिमेशन आपको देखने मिल रहा है ये ऐसा एनिमेट हो रहा है और प्लस ये ऐसा एनिमेट हो रहा है तो यहाँ पे जो पोजीशन है तो यहाँ पे पोजीशन को सिंपल हमको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे देन फिर इसमें यहाँ पे की फ्रेम इंटरपोलेशन पे जाना है और यहाँ पर आपको लीनर कर देना देन इसके बाद में ये जो बीच में मूव कर रहा था तो ये मूव करना जो है बंद कर देगा तो ये चीज़ है फिर इसके बाद में ये चीज़ यहाँ पर एनिमेट हो रही है ठीक है तो यहाँ पे होने के बाद में ये इस तरीके से एनिमेट हो रही है अब इसका जो एनिमेशन जो है आप यहाँ पे थोड़ा सा स्लो कर सकते हो यहाँ पे तो काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे एनिमेट होते हुए दिखाई देगा आपको यहाँ पे ठीक है तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे पूरा एनिमेट हो रहा है यहाँ पे तो यहाँ पे सिंपल आपको क्लिक करना है अब यहाँ पे जो एनिमेशन है काफ़ी स्मूथ एनिमेशन आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है तो ये इस तरीके से आपको कुछ यहाँ पे एनिमेट कर लेना है ये चीज़ ऐसी हो रही है देन फिर ये चीज़ ऐसी एनिमेट हो रही है अब यहाँ पे सिंपल हमने थोड़ा सा इसका टाइमिंग ज़्यादा दे दी और यहाँ पे इसको थोड़ा सा आगे की साइड में यहाँ पे ड्रैग कर दिया है तो ये देखिए सिंपल एनिमेशन आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप से देखने मिल रहा है और फिर यहाँ पे कुछ ऐसा एनिमेशन देखने मिल रहा है अब आपको करना क्या है कि इसके बाद में आपको जो इसकी टाइमिंग जो है आपको यहाँ पर एडजस्ट कर देना है तो सिंपल आपने यहाँ पर इसका जो एनिमेशन है वो यहाँ पर हम जो है इसको मूव कर देंगे यहाँ पर तो इस पॉइंट को यहाँ से एनिमेट करना स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर एंडिंग पॉइंट को जो है यहाँ पर ख़त्म करेंगे आगे चल करके तो ये देखें हमारा जो एनिमेशन रहेगा वो कुछ इस तरीके का हो जाएगा तो ये पूरे जाते जाते यहाँ पे एनिमेट होगा और ये जो लेयर है यहाँ पे सबसे पीछे साइड में आ जाएगी तो पीछे के साइड पे एनिमेशन हमको दिखाई देगा ठीक है तो अब देखें अब हमारा एनिमेशन जो यहाँ पे बन करके रेडी है अब यहाँ पे इसको सेम डुप्लीकेट कर देंगे यहाँ पर तो इन दोनों को यहाँ पर हमने डुप्लीकेट कर दिया एंड इसको जो है मूव कर देंगे हम इधर साइड पर तो यहाँ पर हमने इसको राइट साइड पर मूव कर दिया ये देखें यहाँ पर ठीक है अब यहाँ पे हमारा क्या था यहाँ पे राइट वाला चिन्ह था तो ठीक है यहाँ पे हम आप जो है साइन जो है कोई सा भी चेंज कर सकते हैं तो फिलहाल के लिए आइकन जो है आप वहाँ पे हम चेंज नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे सिंपल हम इसका जो कलर है वो ग्रीन कर दे रहे हैं बस हो गया फिलहाल के लिए ठीक है तो अब हमने करना क्या है कि यहाँ पर इसको थोड़ा सा पीछे ड्रैक करना है अब जैसे ये एनिमेशन स्टार्ट होगा गया यहाँ से तो जैसे ये यहाँ पर पहुँच रहा है तो इसके बाद में ये वाला आइकन आ जाएगा यहाँ पर एंड इसके बाद में ये जैसे एनिमेशन यहाँ पीछे जाएगा तो यहाँ पे इसका यहाँ पे जैसे पहुँच रहा है तो वैसे ये वाला इमेज और आइकन जो है यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से ठीक है तो ये फिलहाल के लिए हमने कुछ इस टाइप का एनिमेशन यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है तो ये देखे अब यहाँ पे जा रहा है तो ये इस तरीके से आ रहा है और फिर यहाँ पे ये मूव कर रहा है तो ये इस तरीके से आ रहा है और फिर ये ऐसे एनिमेट होते हुए यहाँ पे चला गया ठीक है अब ये वाला स्टार्टिंग पे आपने देखा होगा तो इमेज ये वाली चीज़ जो है तो काफी अच्छे तरीके से रिवील हो रही है तो उसके लिए सिंपल आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपको जो है एक एलिप्स टूल बना लेना है तो यहाँ पर सिंपल हमने एलिप्स टूल बना लिया है अब सिंपल आपको करना क्या है कि इसका जो फिल है वो ऑन कर देना है तो सिंपल हमने यहाँ पर फिल ऑन कर दिया देन इसका जो स्ट्रोक है वो बंद कर दिया है स्ट्रोक ऑन ऑफ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो फिलहाल यहाँ पर आपको रफिंग एज आपको एक यहाँ पे इफेक्ट डाल देना है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को फुल कर देना है यहाँ पे यहाँ पे बॉर्डर की साइज़ आपको बढ़ा देनी है तो सिंपल मैंने इसकी जो बॉर्डर की साइज है वो कुछ इस तरीके से बढ़ा दी है यहाँ पे ठीक है अब बॉर्डर की साइज जितनी चाहें आप उतनी बढ़ा सकते हैं जितना जैसा इफेक्ट आपको चाहिए वैसे उस हिसाब से आप जो है बॉर्डर की साइज यहाँ पे बढ़ा सकते हैं तो यहाँ पे मैंने स्केल पर की लगा दी और स्टार्टिंग पे आके इसको यहाँ पे जीरो कर दिया और देन इसके बाद में ये वाली जो इमेज है इसके ऊपर मुझे यहाँ पे ट्रैक मैट कर देना है तो सिंपल जो ये वाला सेप था तो यहाँ पे इस शेप को मैं ट्रैक मैट कर दूंगा ऊपर वाली लेयर से तो ये देखिए मैंने यहाँ से जो ऊपर वाली लेयर हमने जो क्रिएट करी है उससे हम इसको ट्रैक मैट कर देंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कुछ इस टाइप का एनिमेशन आपको यहाँ पे देखने मिल जा रहा है तो फिलहाल के लिए यहाँ पे हमने शायद तक गलत लेयर से इसको ट्रैक में ऐड कर दिया इसको नन कर देंगे हम और यहाँ पे सिंपल आपको आ जाना है ओके तो नीचे ये वाला जो लेयर है तो यहाँ पे आपको आ जाना ये वाला है तो इसको आपने ट्रैक में ऐड कर देना है तो सिंपल मैंने यहाँ पर इसको फर्स्ट वाले शेप से जो है ट्रैक ऐड कर दिया है ठीक है तो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है बट यहाँ पे वो इफेक्ट नहीं आ रहा जो हम बनाना चाह रहे तो सिंपल आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको इसको नन कर देना है और यहाँ पे जो आ, इमेज है ये इमेज को आपको ट्रैकमेट जैसे इसमें किया है तो सेम चीज आपको जो है ट्रैकमेट यहाँ पे करनी है यहाँ पे तो यहाँ पर आपने करना क्या है कि इस शेप को ऑन करना है जैसे अब यहाँ पर तो इन दोनों को हमने प्री कॉम कर दिया तो यहाँ पर आप देखेंगे प्री कॉम्प यहाँ पर हो चुका है अब देन इसके बाद में इसको जो हम ट्रैकमेट कर देंगे उस सेप से जो हमने सेप क्रिएट किया था तो ये देखिए कुछ इस तरीके से अब यहाँ पे एन एनिमेट होते हुए दिखाई दे रहा है आपको तो सेम एनिमेशन जो है हमने वैसे ही इफेक्ट क्रिएट करते हैं जैसे हमने वहाँ पे देखा हुआ था ठीक है देन इसके बाद में आपने जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छा जो एनिमेशन जो है बाकी सारी चीज़ें जो है वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने मिल जा रही हैं तो फिलहाल के लिए इसको हम नल से जो है पेरेंट कर देंगे तो ये नल से हमने पेरेंट कर दिया तो ये सारा एनिमेशन जो है आपको जैसा देखने मिल रहा था वैसे ही आपको यहाँ पर देखने मिलेगा ठीक है तो ये चीज़ जो है आपको यहाँ पर क्रिएट कर देनी है तो सिंपल आपको ये जो सेप आपने क्रिएट किया है इसको भी नल से पेरेंट करना पड़ेगा ताकि एनिमेशन एकदम एग्जैक्ट वैसे ही होना चाहिए जैसे यहाँ पे हुआ था अब फ्रेंड्स यहाँ पे यदि आप बॉर्डर वगैरह देना चाहते हैं तो इसमें सिंपल आप क्या कर सकते हैं कि इसमें बॉर्डर देने के लिए आपको करना क्या है कि जो ये इमेज वाला सेप था तो यहाँ पर जिससे हमने ट्रैक ट्रैकमेंट किया होता है इसको आपको डुप्लीकेट कर देना है और डुप्लीकेट करने के बाद में आपको सिंपल करना क्या है कि यहाँ पर आपको आ जाना है और इस लेयर को ऑन कर देना है तो सिंपल आपको करना क्या है कि पहले तो इसको ट्रैकमेंट ऊपर वाली लेयर से कर दीजिए इसको ऑन करने के बाद में इसमें आपको स्ट्रोक दे देना तो ये देखिए आप स्ट्रोक जैसे ही देंगे तो यहाँ पे बॉर्डर आ जाएगी तो सिंपल आपको यही चीज़ करना है सभी इमेजेस के साथ में जैसे ये वाली इमेज है तो इसके लिए आपको सिंपल करना क्या है कि इसका डुप्लीकेट कर दिया आपने और इसको फिर से ट्रैकमेट कर देना है ऊपर वाली लेयर से और नीचे वाली लेयर को ऑन करने के बाद में इसमें बॉर्डर आपको दे देना है तो जितना भी आप बॉर्डर देना चाहते हैं उतना आप यहाँ पर बॉर्डर दे सकते हैं तो सेम चीज़ आपको सभी के साथ में करनी पड़ेगी तो फिलहाल के लिए फिलहाल हम इसमें आ जाते हैं और यहाँ पर भी हम वही चीज़ कर देते हैं तो यहाँ पर हमने डुप्लीकेट कर दिया और इसको ट्रैकमेट इससे कर दिया और यहाँ पर नीचे वाली लेयर को ऑन करने के बाद में इसका जो बॉर्डर है वो हम यहाँ पे दे देंगे तो देखिए इसी तरीके से आपने सभी में आपको ये चीज़ कर देनी है तो फिलहाल के लिए यहाँ पे हमारा जो एनिमेशन है वो यहाँ पे रेडी हो चुका है तो ये देखिए ये हमारा एनिमेशन जो है यहाँ पर रेडी हो चुका है इस तरीके से आपका जो एनिमेशन है वो यहाँ पर बन करके तैयार हो गया पूरा ठीक है तो इस तरीके का आप जो एनिमेशन यदि बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से एनिमेशन बना सकते हैं तो यहाँ पे एज एट इज हमने सिमिलर एनिमेशन क्रिएट कर दिया जैसा आपने यहाँ पे देखा था पीछे के साइड में आपको जो है एक बैकग्राउंड लगा देना है तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे बैकग्राउंड जो आपको यहाँ पे देखने मिल जाएंगे सर्च करूँगा डस्ट ओवरले ठीक है तो यहाँ पर मैं डस्ट ओवरले यहाँ पर सर्च कर लूँगा तो यहाँ पर काफ़ी सारे ओवरले जो है आपको यहाँ पर देखने मिल जाएंगे कि इनको डाउनलोड कर लेना है तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे 4K वीडियो डाउनलोडर से यहाँ पे मैं इनको डाउनलोड कर ले रहा हूँ आप चाहें तो किसी से भी डाउनलोड कर सकते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने इसको वीडियो को जो है डाउनलोड कर लिया अब आप सिंपल आपको आना है यहाँ पे आपको जो है इस वीडियो को इम्पोर्ट कर देना है तो सिंपल आप हम आ जाएंगे यहाँ पे सबसे नीचे आकर के आपको इस वीडियो को इम्पोर्ट कर देना है देन बस हो गया आपका जो यहाँ पे वीडियो बन करके तैयार हो गया देखिए काफ़ी अच्छा ओवर जो है यहाँ पे कॉर्नर पर पीछे बैकग्राउंड पर जो है बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा यहाँ पर आ चुका है अब सिंपल आप चाहें तो जैसा भी चाहें वैसा और भी और कस्टम बैकग्राउंड आप बनाना चाहते हैं तो सिंपल आप यहाँ पे बना सकते हैं जैसे एक एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे सिंपल किया क्या कि यहाँ पे आने के बाद मैंने इसमें जो है रैम डाल दिया ग्रेडियंट रैम यहां यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे देन इसके बाद में ऊपर वाले इमेज को पहले हाइड कर देते हैं अब यहाँ पर इसको हम रेडियल कर देंगे देन इसके बाद में हम स्वैप कलर कर देंगे और इसको जो है सेंड सेंटर पर रख देंगे इस पॉइंट को इस पॉइंट को जा करके यहाँ पर साइड में रख देंगे अब ये देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा जो बैकग्राउंड वो आप यहाँ को यहाँ देखने मिल जाता है इसको थोड़ा सा डल कलर हम यहाँ पे चूज़ कर देंगे और यहाँ पे हमें जो है इस टाइप का डार्क बैकग्राउंड देखने मिल गया है अब यहाँ पर इस वीडियो क्लिप को जो हमने यहाँ पे डाउनलोड किया था इसका जो है यहाँ पर ब्लैंडिंग मोड हम यहाँ पर चेंज करके यहाँ पे देखो स्क्रीन कर देंगे तो ये देखिए काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पर आपको पीछे बैकग्राउंड जो है देखने मिल जाता है तो इस तरीके से आप यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे जो है यहाँ पे एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं तो फ्रेंड्स आई होप आज का जो वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा यदि आप इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीचे हमें कमेंट करके बताइए हम जल्द से जल्द उस टॉपिक में वीडियो लेकर के आएंगे फ्रेंड्स मैं मिलूंगा एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ है तब तो तक के लिए टेक केयर एंड बी क्रिएटिव